कर जाइए तित जीव दया मर मार अनहद शब्द सुहावण पाइए गुर विचार अनहद बाणी पाइए तहां मैं हुए बिनाश सतगुर सेवे अपना हसद कुरमान तास खड़ दरगाह पर नाई है मुख हर नाम निवास जहां देखा तहां रब रहे शिव शक्ति का मेल त्रिगुण बंधी देहुरी जो आया जग सुखेल विजोगी दुख विछोड़े मनमुख लहन मेल मन बैरागी घर वसै सच पैराता हुए ज्ञान महारस भोगवे बहुड़ भूक न हुए नानक एह मन मार मिल पे फिर दुख न हुए नानक एह मन मार मिल पे फिर दुख ना होए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुग जुग अटल तखत चबर ते मालक बाणी की बोकित शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन दरबार अंदर
संध्या वेले तो सजी दीवान विच हाजरी पर रहे गुरु सवारे वडभागे सत संगी जनो आप जी ने अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी अमृत बाणी का अमृत कीर्तन गुरु घर के कीर्तनिया पासों श्रवण किया। कीर्तन उपरंत गुरु नानक पातशाह जी का श्री राग विच उच्चारण किया होया 18वां शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के भी अंग उपर छुपाए मन का पाठ श्रवण किया। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी अज के शब्द द्वारा मनुख नूं इह गल समझाउंदे ने कि ऐसा उद्यम कर जिहदे नाल तेरा मन प्रभु का नाम जपना गिज जाए आप के जपन लग पे। सतगुरु ने मनुख नूं समझाया जिहड़े गुरु के सन्मुख रह के गुरु के कोलों ज्ञान लेंदे ने उन्हां नूं मरण की कोई चिंता नहीं, वो बहुते जीवन की आस उम्मीद नहीं रखते। प्रभु की रजा विच हर वेले खिड़े रहिंदे ने, राजी रहिंदे ने। हुण जे आपां पुछिए पातशाह गुरु नानक साहिब ये जिहड़ी अवस्था है खिड़े वाली विकास वाली खुशी वाली आनंद वाली इहदा मालक कौन बन सकता है? मालक कहिंदे संसार का हर एक जीव, पर किवें बन सकता है? गुरु दे बख्शे ज्ञान द्वारा। जिहड़े गुरु दे कोलों ज्ञान लैंदे ने उन्हां दे जीवन दे विच बदलाव आउंदे ने, उन्हां दे जीवन च तब्दीलियां आउंदियां ने, पर उन्हां दे जीवन जीउण दा ढंग संसारियां दे नालों वखरा हो जाता। हुण उन्हां दे जीवन च ऐसा की वखरापन आउंदा? शब्द दी विचार द्वारा इस बात नूं आपां समझण दा यतन करांगे। गुरु साहिब जी ने रहाउ दे पदे च फुरमान कीता, जिया रे राम जपत मन मान। मालक कहिंदे ऐ मेरी जिंदे, तू ऐसा उद्यम कर जिहदे नाल तेरा मन प्रभु नूं सिमरन लग पे, याद करन लग पे। तू ऐसा उद्यम कर जिहदे नाल तेरा मन रब दीआं सिफतां करे। और दूसरी गल, जदों रब दीआं सिफतां करन लग पे और सिफतां विच गिज जाए, जाने के नूं फिर बार बार कहना ना पवे, ये आप ही जपन लग पे, आप ही गाउन लग पे, आप पढ़न लग पे, आप समझन लग पे, ऐसा उद्यम कर जिए रे राम जपत मन मान। हुण इहदे नाल होएगा की? सतगुरु ने फरमान किया, अंतर लागी जल बुझी पाया गोरमुख ज्ञान। जिन्हां ने गुरु दे सन्मुख रह के गुरु दे पासों ज्ञान प्राप्त किया, गुरु दे पासों नाम प्राप्त किया, हुण उन्हां दे जीवन च की बदलाव आया? अंतर लागी जल बुझी, इत्थे जल दा मतलब पानी नहीं है, इत्थे जल तो भाव सड़ना। वो अंदर जिहड़ी अग बलदी है ना, जलदी है, वो बुझी जांदी है। तो सतगुरु ने फरमान किया कि जिन्हें गुरु दे सन्मुख रह के गुरु दे कोलों नाम लिया, गुरु दे कोलों ज्ञान लिया, उदे अंदर बलदी होई तृष्णा की जिहड़ी अग है वो बुझ जाती है।
अंतर लागी जल बुझी, और जिहड़ी अंदर बलदी सी ना तृष्णा की अग बुझ गई, और जिहड़ी अंदर तृष्णा साड़दी सी हुण नहीं साड़दी बुझ गई। तो बुझी किवें? दाते ने बाणी च प्रमाण किया, तृष्णा बुझै हर कै नाम, नाम जल का पानी पाउण दे नाल तृष्णा की अग बुझ गई, और जिहड़ी अंदर साड़दी सी वो जलन जिहड़ी है वो सड़न जिहड़ी है वो मुक गई। कदों मुकी जी? जदों गुरु के सन्मुख रह के गुरु के कोलों अमृत नाम लिया, गुरु के कोलों रबी बाणी का ज्ञान लिया। हुण जिन्होंने रबी बाणी तो ज्ञान लै लिया, पहली गल उन्हां दी तृष्णा बुझ गई, दूजी गल उन्हां दा मन प्रभु जपण दे विच गिज गया। जिवें सुत्ता बंदा कोई काम नहीं करता, जदों उठ पए फिर उन्हूं किन्ने काम याद आउंदे, उह काम करन च लग जांदा। जदों तक मन माया विच सुत्ता है, कोई सेवा नहीं, कोई सिमरन नहीं, कोई बंदगी नहीं, कोई सिफतो सलाह नहीं, कोई रब्बी गुण गाउण दा उद्यम नहीं, कोई संगत नहीं ना। जिवें ही सिमर सिमर गोर सत गोर अपना सोया मन जागाई, जदों आवाजां मार मार के सुते मन नूं जगाया, हुण सेवा विच लग गया, बंदगी च लग गया, गुण गाउण च लग गया, सुनने च लग गया, समझण विच लग गया, विचारन विच लग गया, हुण इस पासे तुर पिया। हुण जिहड़ा इस पासे तुर पिया, सतगुरु ने बचन किया, उहदे जीवन च होर बदलाव यह आया। श्री राग महला पहला, मरण की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस, ये बदलाव ही जपण वाले दे जीवन च आ गया। सब तो पहला उहदे अंदरों की अंदरों जी जिहड़ा गुरु दे सन्मुख रहिंदा, सिमरन की बरकत नाल अंदरों मौत का डर निकल गया। मरने की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है, जदों मर्जी मौत आवे, जदों मर्जी मालक दे कोल सद्दा आवे, जदों ये सद्दा आया खुशी चढ़ गई। ते खुशी किस गल दी? मालक दे घरों मैनू सद्दा आया, मालक ने मैनू बुलाया, ते गुरु के सिखो मैं मालक दे घर जाना है, ते तुहानू एक बेनती करां, तुसी सारे खुशी दे नाल मैनू मालक दे घर तोरे हो, रोयो ना मेरे पिछों। आया हकारा चलण वाला, हकारा आ गया, गुर जावे हर प्रभ पास जियो, गुरु परमेश्वर कोले जा रहे हैं, गुरु निरंकार दे कोले जा रहे हैं। ते जदों गुरु निरंकार दे कोले जावे तुहानू ते खुश होना चाहिए ना। मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज भावे, कहिंदे ने इक मित्र दा हो रहा सन्मान, ते दूजा मित्र हुंदा खुश वी मेरे मित्र दा सन्मान होया, मेरे मित्र नूं सत्कार मिलिया। मित पैजै मित बिगसै, हुण मित्र खुश नहीं होंदे, जे एक दा सन्मान होवे ना तां साडे मित्र खुश बहुत घट विरले ही होणगे जिहड़े खुश होणगे, हुण नहीं खुश होंदे। हुण ते कुंडियां लभदे ने वी नूं सन्मान मिले ही ना ना, हुण ते कुंडियां लभदे ने। शब की कहिंदे ने, तुसी मेरे पिछों रोना नहीं है, क्योंकि मैनू मालक दे घरों सद्दा आया, ते मालक दे घर मेरा सन्मान है। मरने की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है, मौत कदों आउणी है कोई चिंता नहीं, जद मर्दी आ जाए। सतगुरु ने ते बाणी दे राही सानू सावधान किया, सुचेत किया, भी सिखो
मौत तो डरे हो ना। ये संसार जेड़ा है साड़ा सदी भी टिकाणा नहीं है। इत्थे ते आई हां, करतार दी खेड है ते खेड खेडनी है ते चले जाना। फर्क सिर्फ इतना है कोई खेड के जितदा ते कोई हारदा। ते कोशिश करिए जीवन दी खेड दे विच जेतू बन के जाइए। हुण दाता जी ने वचन किया मरने की चिंता नहीं, और दूजी गल साहब ने फरमान किया जीवन की नहीं आस। ओ मनुख लमेरे जीवन दी आसा नहीं बनाउंदा, लमेरे जीवन दी ना, ओ वर्तमान संभालदा है। ऐसे करके बाबे कबीर ने कहा ना, काल करंता अबे कर, हुणे कर लै तूं, कल ते पता ही नहीं होना जां नहीं होना। इस करके कोई भी काम जिहड़ा है कल ते ना छड़िए। मालक दे नाल दी नाल करिए। कोई पता है अगला श्वास आना कि नहीं आना। जीवन की नहीं आस, हुण ओ जिउंदा किवें है फिर। तू सर्ब जिया प्रत पाल ही लिखै सात गिरास। उस व्यक्ति नूं किहड़े नूं जी, जिहड़ा गुरु दे सन्मुख रहिंदा है और गुरु दे कोलों ज्ञान लैंदा है, गुरु दे कोलों नाम लैंदा है, गुरु की अमृत बाणी तो सेध लैंदा है, उस मनुख नूं इस गल दा पक्का यकीन है। कहड़ी गल दा? तू सर्ब जिया प्रत पा लखी, तू सारिया जीवन की दाता पालना कर, सारिया जीवन की तू संभाल कर दा। जेड़ा जिथे बैठा है तो उदी संभाल कर। जे कोई कीड़ा पत्थर दे विच है ना, ये मालका तू उदी भी संभाल कर दा, पत्थर विच बैठे दी संभाल कर दा। ते जे कोई धरती दे विच है तो उदी भी संभाल कर दा। जेड़ा जिथे तू रखे है उदी संभाल तू आप कर दा, उदी पालना तू आप कर दा। लिखै सात गिरास। जीवां दा हर एक सा ते ग्रा, सा बाहर आना ग्रा अंदर जाना, ये तेरी नजर दे विच है, तेरे हुक्म दे विच है। क्यों? क्योंकि साड़ी जीवन दी जिहड़ी डोरी है ना, वो मालक दे हाथ है। बचन तुसीं पढ़िया सुनिया होएगा, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जी जांत तेरे तारे। ये तेरे हाथ रे, क्योंकि डोर तेरे हाथ है। हुण जदों डोर तेरे हाथ है ते फिर दाता जो कर आए सो करना। हुण जिधर तू डोरी खिंचनी है उधर जाना। मेरे मालक कहिंदे ने गुरु के सिखो तुसी विचार करके वेखो, अंतर गोरमुख तू वसै ज्यो भावै त्यों निरजास। जिहड़ा गुरु दे सन्मुख रहिंदा है उहदे अंदर प्रगट हो जांदा है। उह फिर कहिंदा है सतगुरु नानक प्रगटिआ। किसे विद्वान ने एक लाइन लिखी और कहिंदा संसार दे लोको नानक नूं मड़ी विच ना लभ्यो, नानक नूं किते कबर विच ना लभ्यो। फिर नानक मिलेगा किते? वो कहिंदा अंगद गुरु दे हिरदे च वसदा नानक। बाबा मड़ी ना गौर अंगद के ही है बसा, वो अंगद गुरु दे हिरदे च वसदा, वो अंगद दे हिरदे च प्रगट हो गया। जिन्हां दे हिरदिआं चों प्रगट हो गया उन्हां नूं इस गल दी समझ पै गई, उन्हां नूं इस गल दा यकीन हुंदा है। ज्यों भावै त्यों निरजास, दाता जिवें तैनूं पाउंदा है तूं सारे जीवां नूं रखदा, सारे जीवां नूं संभालदा।
अंतर गुरमुख तू वसै, जिहड़े गुरु दे सन्मुख रहिंदे ने उहदे अंदर रब्बी बाणी दा ज्ञान प्रगट होंदा है। ते ज्ञान दा प्रगट होना ही गुरु दा प्रगट होंदा है। हुण जिन्हां दे अंदर गुरु प्रगट हो गए उन्हां नूं कुछ कहण दी लोड़ है नहीं, वो फिर सारे कार्य आत्मोहारे सियाने बन के करी जाते हैं। जिवें सिस्टम चल जाता है ना जी, बस वो फिर सिस्टम दे विच मालक दी रजा दे चो तुरी जाते ने। जी अरे राम जपत मन माना, मालक कहिंदे ने ऐसे करके भाई अपने मन नूं समझा के ना उस पासे लाओ, वो उद्यम करिए जिस उद्यम दे कीतियां परमेश्वर दा नाम मन जपन लग पे। हुण इहदे वास्ते सानूं करना की पएगा, थोड़ा जिहा उद्यम करना पैणा। एक वारी ना मन नूं लाउणा पएगा, जिवें बाणी दे अंदर एक बचन आया, गुरु रामदास पिता महाराज ने फरमान कीता, पातशाह हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चालना गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे आपन पाली। जिवें बकरी है ना, वो आप नहीं खांदी ना, उन्हूं पाल लाउणा पैंदा है। एक वारी उहदे मूँह नूं घाह फूस लाउणा पैंदा, जदों एक वारी उहदे मूँह नूं ला दिओ फिर उहदा कम्म चल पैंदा है। ठीक ऐसे ढंग नाल साहिब ने बचन कीता, दाता असीं अन्ने हाँ विकारां दे विच, हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चालना गुर चाली, गुरु की चाल किवें चल सकते हाँ। इस करके मालक एक बेनती है कि एक बार तुसीं सानूं गुरु की चाल चला दिओ, ते गुरु ते साडा हाथ फड़ के सानूं चलाउंदा है, असीं हाथ पकड़ाइए तां सही गुरु ने। बचन पढ़ते हो ना तुसी सुखमनी साहब जी की बाणी अंदर, सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह ले ओढ़ निभावे। गुरु कर हथ नूं कहिंदे ने, गह पकड़न नूं कहिंदे ने। गुरु हथ पकड़ के ओ अखीर तक साडी मंजिल तक लैके जांदा। असीं गुरु नूं हथ ते पकड़ाईए, गुरु हथ जे असीं अपना हथ नहीं पकड़ाउणा ते चलो गुरु दा हथ पकड़ लईए। तुसीं बड़ी वारी ये शब्द सुनिया है, गुरु अग्गे अरदास कीती है, बाप बीठला बांधे, प्रभु जी तुसीं मैनूं अपनी बाँह पकड़ाओ, ते हुण गुरु बाँह किवें पकड़ाएगा, क्योंकि गुरु दा शरीर ते है नहीं। सानूं ते दाते ने शब्द नाल जोड़िया, ते शब्द दी ते बाँह नज़र आउंदी है सानूं, पर जदों असीं बाणी पढ़ांगे ते मेरे दैतक दाता जी ने बाणी च बचन कीता और इस गल दा सुनने जवाब दिता, प्रभ बाह पकराई, प्रभु ने मैनू बाह पकड़ाती। हुण प्रभु ने बाह किवें पकड़ाती, प्रभ बाह पकराई उत्तम मत पाई, मालक ने मैनू श्रेष्ठ मत देती, उस श्रेष्ठ मत दा मिलना गुरु दा परमेश्वर दा मैनू बाह पकड़ाउणा है, ते मैं गुरु दी बाह पकड़ ली, भाव के श्रेष्ठ मत पकड़ ली, ते गुरु दे पिछे लग के तुर पिया, तुर पिया जी गुरु दे पिछे लग के। तो सतगुरु ने वचन कीता, थोड़ी जी सानू मेहनत करनी पैनी है, तो मेहनत की करनी पएगी जी, अंतर की गत जानी है, गुर मिले शंख उतार। सतगुरु ने वचन कीता, अंतर की गत तां ही जीओ, अंदर दी जिहड़ी हालत है उहदे च सुधार तां आएगा, उहदे च बदलाव तां आएगा जे उहदे तों मैल उतरेगी। जिवें जिवें मैल उतरदी जाएगी अंदरला चमकदा जाएगा। हालांकि जपजी दी बाणी दे अंदर आपां रोज़ ये वचन पढ़दे हां ना, अंतर गत तीरत मल नाओ, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथमल नाओ, तरीका ते गुरु नानक जी ने सानूं दे दिता। हुण दाता जी ने वचन कीता, अंतर की गत जानी है,
हुण अंदर सुधार ता होवेगा कदों गुर मिले शंख उतार। जे गुरु नूं मिल के अंदर जिहड़ी शंकियां दी मैल है इहनूं आपां धोवांगे। अमरदास पिता ने फरमान किया, सहसे जीव मलीन है कित संजम धोता जाए। शंकियां दे नाल सहम दे नाल मन मैला किवें धोता जाए इहनूं जी। फिर दाता जी ने जवाब दिता, मन धोवो शब्द लागो। भई जे मन धोना है फिर शब्द बाणी नाल जुड़ना पएगा, फिर जुड़ना पएगा। जे आपां पुछिए दाता तुसीं दस सकदे हो साडे अंदर मैल केड़ी है, मालक कहिंदे हां अंतर मैल केड़ी, लोभ बो झूठे अंतर ते लोभ दी मैल है, मोह दी मैल है, झूठ दी मैल है। हुण अंदर ते मैल होवे ते बंदा बाहर तीर्थ इशनान करे, मालक कहिंदे नहीं बैकुंठ जा सकदा। अंतर मैल जे तीर्थ नहावे, अंदर ते तेरा मैल है ते तू बाहर ही नहाई जा रहे, बाहर ही धोई जा रहे। इस करके साहब जी ने फरमान किया, अंतर की गत जानिए गुरु मिले शंख उतार। ते जिवें जिवें फिर मैल उतरदी है ना जी, अंदर चानण हुंदा जांदा है, ते वो अंदर जदों चानणा होएगा फिर ये गल दी समझ आएगी। आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रिया भरपूरे, सारिया थावां ते वसिया होया। और इस तों अगे साहब गुरु नानक पातशाह ने फुरमान किया, मोया जित घर जाइए तित जीवदियां मारू मार। सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह जी ने फुरमान किया भी बंदा जदों मरदा है मौत दे वस पैंदा है। ते सतगुरु कहिंदे क्यों ना आपां इक कम ये करिए भी मौत दे वस पैण तों पहलां पहलां जिहड़ा मौत दा डर है उहनूं आपां मार दईए, खत्म कर दईए। मरण तों पहलां जिहड़े मरण दा डर मका लैंदे ने, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਲੈ ਭਾਈ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਇਆ ਜਿੱਤ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤਿਤ ਜੀਵਦਿਆ ਮਰ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣਾ ਨਾ ਮਰ ਕੇ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਸਪਤ ਵਰਗੇ, ਲੱਖਪਤ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਜੜ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਨਕੋ ਮਾਰਤ ਹਮ ਥੱਕ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਾਰੇ ਮਰਤ ਨਾ ਟਾਰੇ ਤਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਿਆਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਟਾਲਿਆਂ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਐਸੀ ਗੁੜਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
कि जे तुसी शहादतां दी लिस्ट बनानी होवे ते सब तो वध शहादतां जिहड़ियां ने नानक दे राह ते तुरन वालियां ने दित्तियां ने, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर मौत का डर कढ दिता। इस तों अगे सतगुरु नानक पातशाह जी ने फरमान किया, अनहद शब्द सुहावणे पाइए गुर विचार। हुण ये अवस्था उदों प्राप्त हुंदी है जदों गुरु की दसी विचार ते बंदा तुरदा है। जदों गुरु की दसी विचार ते गुरु की दसी सिख्या ते तुरीए ना जी, फिर प्रभु की सिफत सलाह दे सोहणे सोहणे शब्द बंदे दे अंदरों निकलदे ने, आप मुहारे निकलदे ने। उन्हूं कहिंदे ने अनहद शब्द, पर उहदे वास्ते उस अवस्था तक अपड़न वास्ते अपने आप नूं तैयार करना पएगा। ते अपने आप नूं तैयार करन वास्ते सतगुरु पातशाह जी ने बचन कीता, अनहद बाणी पाई है तहां मैं होए विनाश। जदों जीव एक रस लगातार उस दाते दी अनहद बाणी पाई है, जिन्हों प्राप्त हो गई सिफत सलाह दी अनहद बाणी, जिहड़ा रब जी दी सिफत सलाह करन लग पिया, उन्हें की कीता तां हउमे होए विनाश। उहदे अंदर हउमे खत्म हो जाती है, उहदे अंदर यह गल खत्म हो जाती भी मैं वड्डा हो जा ना, वह खत्म हो जाती। मैं मेरी खत्म हो जाती, मैं मेरी नूं खत्म करना ही बड़ा औखा है। असीं कदे सतगुरु नूं पुछिया होवे, दाता मैनूं रोग लगा होया है ते इस रोग की दवाई तो दसो, किहड़ा रोग है भाई? मेर तेर वाला। हजूर ने बाणी च वचन किया, बिन सह मोह मेरा अर तेरा, बिन सह अपनी धारी संतो इह बतावो कारी। कारी कही है दवाई नूं, संत जनो मैनू वह दवाई दसो जिस दवाई दे नाल मेरे अंदरों मेर तेर मुक जाए, भी आ मेरा आ तेरा आ तेरा आ मेरा, यह मुक जाए। असीं मकाना ही नहीं चाहते, ते जदों तक असीं रोग नूं मकावांगे नहीं साध संगत, उदों तक असीं सुखी नहीं हो सकांगे। इस गल का ख्याल रखें। इस तों अगे सतगुरु नानक पातशाह जी उन्हां गुरसिखां तों उन्हां सतसंगियां तों कुर्बान जांदे ने, किहड़ियां तों? सतगुर सेवे आपणा आ सद कुर्बान है तास। हजूर नानक जी वचन करदे ने, मैं उहदे तों सदके हाँ कुर्बान हाँ। किहदे तों? जिहड़ा अपने गुरु नूं सिमरदा है, जिहड़ा अपने गुरु दे दसे राह ते तुरदा है, मैं उहदे तों सदके हाँ। ते गुरु दे दसे राह ते तुरन की पहली शर्त यही है, इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाए जीओ। जिस दिन नानक जी ने भाई मरदाना जी नूं अपना मित्र बनाया, अपने गढ़ नाल लाया, नानक जी ने तीन गल्लां समझाइयां, और भाई साहब मरदाना जी ने सारी उम्र अखीरला श्वास मुक्कण तक निकलण तक इन्हां गल्लां दी पालना कीती। की कहा सी नानक जी ने? कहिंदे नानक जी मरदानिया, केसां दा बुरा नहीं करना भाई, कहिंदा मालक सत बचन, और उन्हें केसां दा कदे बुरा नहीं कीता, तो दूर की बात है, चितव्या भी नहीं। मरदानिया अमृत वेला नहीं पहुंचाना, मालक जी नहीं खिंजाउंदा। ते मेरे मालक ने आखे सी मरदानिया नशा नहीं करना, कहिंदा जी सत है। अखीरले सवास तक उन्हें गुरु की सिख्या नूं निभाया है,
ऐसे करके असी अरदास च उन्हां सारिआं नूं याद करदे हां किन्हां नूं जिन्हां सिखी केसां सुवासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। हुण जे केस ही नहीं है ते कले सुवास ही ने फिर किवें बात बणेगी। कुछ कटते जा रहे ने कुछ कटवाते जा रहे ने और गुरु के उपदेश तो दूर होते जा रहे हैं। जो कि उपदेश तो दूर होने की लोड़ नहीं है उपदेश को समझण की लोड़ है। तो जो गुरु का उपदेश समझ आ गया फिर कोई रोला रह ही नहीं गया फिर तो कोई रोला रह ही नहीं गया ना भी जो गल ही समझ आ गई तो जो गुरु की बात समझ आ गई फिर ख्याल रखना जी फिर गुरु की दित्ती हुई कोई भी निशानी मेरे जीवन दे विच रुकावट खड़ी करती नजर नहीं आएगी ना फिर तो इंज लगेगा भी गुरु दियां निशानियां दे नाल ते मेरियां रुकावटां सगों दूर होंदियां जा रही। और मैं तो बड़ी बार बेनती की नानक जी ने ऐसा कोई सानू सिद्धांत बख्शिया ही नहीं जिहड़ा साडे गृहस्थी जीवन दे विच कोई खड़ोत जां कोई रुकावट जां कोई दुख जां कोई तकलीफ पैदा कर दे ना। बाबे ने ऐसा कोई सानू सिद्धांत नहीं दिता। सतगुरु ने जिन्ने सिद्धांत दिते ने उन्ने सिद्धांतों नूं असीं पढ़िए सुनीए समझिए विचारीए वह साडे जीवन च खेड़ा भरनगे आनंद भरनगे विकास भरनगे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਖੜ ਦਰਗਾਹ ਪਹਿਨਾਈ ਐ ਮੁੱਖ ਹਰਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ। हाँ वह मर्द भी हो सकता है औरत भी हो सकती है ख्याल रखना यह नानक का घर है। इतने जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित शीश दिते पर हुण ते अफसोस हुंदा है और कहना पैंदा है कि साडियां सिंघणियां जिहड़ियां ने साडियां मातावां भैणां जिहड़ियां ने साडियां घर दियां जिहड़ियां औरतां ने तीआं भैणां जिहड़ियां ने ਉਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ। ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਹਿਜੋ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਆਇਆ ਉਤਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ ਜਪ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੋੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਟਕਿਆਂ 'ਚ ਛੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵੜ ਗਿਆ
तो डांग लैके उन्हों कढ़न वास्ते तुर गया, तो वो मुड़े ही नहीं 6 महीने तक। 6 महीने मगरों मुड़े तो लोग कहते भी तू सह मुड़न गया सी इन्ना समा। वो कहता गल सहे दी नहीं है, गल पहे दी है। वो पगडंडियां बन जांदियां ने ना, जो पगडंडियां बन जांदियां भी लोग पगडंडियां ते तुरना शुरू कर देंगे। कहते ने गल सहे दी नहीं है, वो तो मैं कढ़ दिता। वो जरा ते पह बन जाना ना, पगडंडी बन जानी है, वो फिर काम औखा हो जाना। इस करके कोशिश करिए कि गुरु के उपदेश नूं समझ के अपने जीवन का आधार बना के मालक की दरगाह विच आदर दे पात्र बनिए। हुण जिन्हें उपदेश नूं अपने जीवन का आधार बनाया, सतगुरु कहिंदे ने उहदे जीवन च एक बदलाव होर आ गया। वह किहड़ा सी वह बदलाव? यह आया जां देखा तां रब रहे शिव शक्ति का मेल। वो कहिंदा मैं जिधर वेखदा पहली गल उधर ही निरंकार वसिया होया, पर दूसरी गल शिव कहिए जीवात्मा ते शक्ति कहिए माया। मैं जिधर भी देखदा जीवात्मा ते माया दा आपस दे विच गठजोड़ बनिया होया। हुण होया कि त्रैकोण बंदी देहोरी जो आया जग सो खेल। माया दे तीन गुण, रज गुण, तम गुण, सत गुण, और त्रै गुणी माया दे अंदर सारे जीव जिहड़े ने बजे होए ते जगत दी खेड है। ते जिहड़ा भी जगत च आया वो माया दी खेड खेड रहा, त्रै गुणी खेड खेड रहा। मालक कहिंदे ने तिन्ना गुणा दे विच सारा संसार व्याप रहा, ते कोई विरला ही है यह त्रै गुणी माया तो उपर उठ के चौथे पद नूं जिन्हों तुरी अवस्था कहा, चौथे च पहुंचदा कोई विरला है, पर वह विरला जिहड़ा गुरु दे कोलों उपदेश लैके उपदेश नूं अपने जीवन का आधार बना के अपना जीवन बतीत करदा है। साहब जी ने वचन किया भी जोगी दुख विछोड़े मनमुख लह ना मेल। अपने मन के पिछे तुरन वाला प्रभु मिलाप हासिल नहीं कर सकता, भी योग विछड़ना। हुण जिहड़ा मालक तो विछड़िया वह दुखी है। शकने मनमुख लह ना मेल, मनमुख का मालक दे नाल कदे भी मेल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मनमुख ने अपने मन के पिछे लग के तुरना है, ते जिहड़ा गुरमुख है को मन पिछे लग के नहीं तुरदा, गुरु के पिछे लग के तुरदा है। वो गुरु के पिछे लग के तुरदा है। हुण ते सतसंगत बहुते लोग वह भी ने जिन्हां दे बारे साहब ने बाणी च वचन किया, नानक गुरु ना चेतने मन अपने सुचेत। वह कहिंदे सतगुरु तुसीं साडे पिछे लग के तुरो, असीं तुहाडे पिछे नहीं लगना, तुसीं साडे पिछे लग के तुरो। जे सिखां नूं मेरे मालक ने कहा सी सिखो सानूं तुहाडे वर्गे सिखां दी लोड़ नहीं। सिख वह हुंदा जिहड़ा गुरु तों उपदेश लवे, वह सिख नहीं हुंदा जिहड़ा गुरु नूं उपदेश दवे। नहीं लोड़ तुहाडी जाओ। मन बैरागी घर वसै सच पैरा ता होए। हुण जिहड़ा माया वल्लों बैरागवान हो गया, उपराम हो गया, वह सच दे घर विच टिकिया रहिंदा है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर दे ना पै दे विच, परमेश्वर दे अदब विच रंगिया रहिंदा है। सच पैरा ता होए, वह मालक दे निर्मल पौ दे विच रंगिया रहिंदा है, और मालक दे निर्मल पौ विच रंगीज के ज्ञान महारस भोगवै बहुल भूख ना होए। वह ज्ञान रस पहुंचदा है, ते जिहड़ा ज्ञान दा महारस पी लैंदा है उहनू मुड़ के फिर भुख नहीं लगदी, भाव कि उहनू तृष्णा नहीं चंबड़दी। ऐसे करके बाणी दे अंदर बचन आया, विखे बन फीका त्याग नहीं सकीए नाम महारस पियो, बिंदरस चाके बुढ गई सगली सुखी न होवत जियो। नानक एह मन मार मिल, इस मन नू मारना है, ते किहड़े पासिओं मारना है? माया वाले पासे तो मारना, माया वाले पासे तुहानूं हटाउणा है, और माया दे पति माधो वाले पासे नूं लाउणा है। साहिब ने बचन कीता नानक इह मन मार मिल पी फिर दुख ना होए। फिर तुहानूं प्रभु तों विछोड़े दा दुख लगेगा ही नहीं।
सतगुरु ने बाणी दे राही ये उपदेश बख्शिश किया है। मन माया वालों ता मरेगा जिस मन नूं आपां समझावांगे बाबा माया सात ना होए इन माया जग मोहिया विरला बूझै कोए। ते जेड़े बुझ लैंदे ने वेखो रहिंदे ओह माया विच ही ने ख्याल रखना क्योंकि बेड़ी डुबदी भी पानी विच है ते बेड़ी तरदी भी पानी च है। ख्याल रखना असी रहना भी माया च है पर रहना उहदे तों उपराम है। अमरदास सतगुरु ने तरीका बख्शिश किया और फरमान किया दाता अमरदास जी ने गुरप्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्ने विचे माया पाए। नानक जी नूं जोगियां ने पुछिया सी दुनिया सागर दोतर कही है क्यों कर पाई है पारो चरपट बोले औदू नानक दे सच्चा विचारो। नानक जी सत दी विचार दसो दुनिया सागर तो किवें पार लंघिया जा सकदा है। ते नानक जी ने दो उदाहरण दित्तियां सीगियां और कहा सी ऐ चरपट जिवें पानी दे विच कमल है और पानी दे विच मुरगाई है जिन्हां नूं इह तरीका आ गया ओह संसार सागर तो पार लंघे। इस करके जतन करिए जिया रे राम जपत मन मान अंतर लागी जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान। गुरु दे सामुख रह के गुरु दे कोलों ज्ञान लईए उस ज्ञान द्वारा अपने मन नूं समझाइए और मन नूं समझा के माया तो प्राम करके निरंकार दे नाल जुड़ के अपने जीवन की यात्रा नूं सफल करिए। इतनी बेनतियां प्रवान करनियां ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣਾ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਰਾਮ ਕਲੀ।